सिमडेगा में अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर महिलाओं ने विधि विधान के साथ सोलह श्रृंगार करते हुए वट सावित्री का पूजन किया। सुहागिनों ने वट वृक्ष के नीचे विधि विधान के साथ पूजन करने के साथ ही वट वृक्ष की परिक्रमा की और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना की। गिरिडीह जिले भर में वट सावित्री पूजा धूमधाम से मनाई गई। वट वृक्ष के नीचे सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ पूजन किया। सुहागिनों ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा की और पेड़ में धागा बांधते हुए अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। गिरिडीह शहर में गुरुवार को वट सावित्री पूजन की धूम रही। सुहाग के लंबी आयु की कामना के साथ सुहागिनों ने वट वृक्ष के नीचे विधि विधान से पूजन किया। नए वस्त्र धारण कर व्रत रखी हुई सुहागिनों ने वट वृक्ष में मौली बांधते हुए परिक्रमा भी की। ताड़ के पंखे से वट वृक्ष को हवा देते हुए पति के लंबी आयु का आशीर्वाद भी लिया। पूरे देश भर में वट सावित्री पूजा हो रही है। मान्यताओं के अनुसार महिलाएं अपने पति के दीर्घायु होने की कामना को लेकर वट सावित्री पूजा करती हैं। देवघर में भी महिलाएं वट सावित्री पूजा करती नजर आए। इस पूजा में महिलाएं वट वृक्ष के पास अपने पति के दीर्घायु उम्र की कामना को लेकर पूजा करती हैं। सावित्री का पूजा है और हर साल अमावस्या के दिन वट सावित्री का पूजा किया जाता है और आज अपने पति के लिए पूजा करते हैं, दीर्घायु के लिए माता सावित्री का, सत्वान का, वट वृक्ष का पूजा करते हैं। किस विधि से पूजा होती है? विधि से क्या क्या लगता है, कैसे करती है पूजा? महिलाएं 16 सिंगार लेके और फल, 5 फल लेके और वट वृक्ष का परिक्रमा करते हैं और बड़